वो सालीपुरा है और खंडार क्षेत्र पड़ता है। हमारी तो 5% रिजर्वेशन की मांग है, जो कर्नल साहब का आदेश है। कर्नल साहब ने कहा है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं माने, पूरे प्रदेश को जाम कर दो और शांतिपूर्वक जाम रखें। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये जाम लगाया है, सर्व समाज की सहमति से और कर्नल साहब के आदेश पर। 5% आरक्षण जब तक हमको नहीं मिलेगा, हम किसी भी कीमत पे यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारी 5% जो एमडीसी की जो मांग है पिछले 14 साल से चली आ रही है, आपको अच्छी तरह पता है। इनके मन में बद्यांती है, ये गुर्जर समाज को वोट लेने के लिए बीजेपी ने भी पहले वादा किया था, आज कांग्रेस ने वादा किया है, और वादा करके पूरे राजस्थान में गुर्जर समाज का एक तरफा वोट मिला है, और उसके बाद में ये हमसे पूछे कि किस तरह से आपको 5% आरक्षण देना है। ये गुर्जर समाज के साथ सरासर अन्याय। हमारा 2007 से गुर्जर आंदोलन की जो मांग चल रही है, हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन रहेगा, पूरी तरह मानवतावादी रहेगा। हमारे आंदोलन पूरे देश में एक इतिहास बनता है। हमारे आंदोलन में कभी किसी तरह का कोई हिंसात्मक कोई जगह नहीं है, पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा। ये इनको सोचना है, 10% जो अभी स्वर्णों को जो आरक्षण दिया है, मात्र 7 दिन में संसद में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के गजट नोटिफिकेशन में भी उसको करवा लिया, और 7 दिन में संविधान में संशोधन करके आरक्षण दे दिया। आज ये लोकतांत्रिक देश है, हम हमारी जायज मांग को मांग रहे हैं, और इन्होंने हमसे कमिटमेंट किया है। इस कमिटमेंट को इनको सोचना है कि 5% इनको कैसे आरक्षण देना है। गुर्जर समाज पूरी तरह से लामबंद है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, पूरे राजस्थान में गुर्जर समाज शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेगा। हमारी मांग है सर जी 5% आरक्षण की, और 13 साल से हम संघर्ष करते आ रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस हमको धोखा देती आ रही है, इसलिए हमारी गुर्जर और समाज ने कर्नल साहब का निर्देश है, इसलिए हमने यहाँ जाम लगाया। जब तक राज्य सरकार हमारी नहीं सुनती है, जब तक हमारा जाम यथायस्थ रहेगा, और या सरकार हमसे समझौते करती है तो साहब से बात करके, और जिसके बाद में हम जाम खोलेंगे, तब महीना हो जाए, 6 महीना हो जाए, तब तक हमारे 72 आदमी शहीद हो गए, हम आरक्षण लेके रहेंगे।